गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का आज हम फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम आज के टॉपिक जो कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और लास्ट में एक एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सपोज एक चार्ज है क्यू स्पेस में, उसको हम अगर हम बोलें कि इसे इस चार्ज क्यू को हमने ओरिजिन में रखा हुआ है, और एक पॉइंट पी है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, वहाँ पे एक दूसरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस क्यू रख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इस चार्ज में बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। सपोज अगर हम यहाँ पे ये चार्ज नहीं रखते तो क्या यहाँ पे कोई फोर्स जनरेट होता? ऑब्वियसली नहीं होता। लेकिन ये फोर्स जनरेट क्यों हो रहा है, ये चीज़ ज़्यादा समझने वाली है, क्योंकि ये चार्ज क्यू अपने चारों तरफ ऐसा क्या कर रहा है कि जिसके कारण में ये फोर्स जनरेट हो रही है। तो हम इसको समझने के लिए एक अजम्पशन ये ले सकते हैं कि इसके चारों तरफ तो एक स्पेशल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं इसका फील्ड है, इसका फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है इसके चारों तरफ, जिसके फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर कोई भी पार्टिकल आता है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। नाउ जिस तरीके से एक ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ टू बॉडीज। अगर एक बॉडी है मास m1 का, उसके पास में अगर एक बॉडी m2 लाते हैं, तो दोनों ही बॉडी वैसे तो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो अगर बॉडी छोटी बॉडी जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ द मास ऑफ द बिगर बॉडी, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गई है। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें, तो अगर कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के फील्ड में आती है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो हम इस बड़े बॉडी को जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, और इस छोटे से बॉडी को हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। तो अगर हमने फिजिक्स पढ़ा है तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेगी, तो हमको वो जो फील्ड की इंटेंसिटी निकालना वो मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि चार्ज Q इज इनफाइनाइटली स्मॉल, वेरी स्मॉल चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है जो इसके फील्ड में कोई भी अंतर नहीं ला रहा है बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज। सो एवरीथिंग विच इज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज इज बिकॉज ऑफ द सोर्स चार्ज। तो हम कंसेप्ट ऑफ फील्ड यह है कि द चार्ज Q प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। तो ये फील्ड सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ भी है, सभी जगह है फील्ड। एक्चुअली व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फील्ड? फील्ड इज डिपेंडेंट व्हेन अनदर चार्ज क्यू इज ब्रॉट एट सम पॉइंट पी, द फील्ड देयर एक्ट्स ऑन इट एंड प्रोड्यूसेस अ फोर्स। अगर ये चार्ज क्यू को कहीं से भी हम लाते हैं और यहाँ पे रखते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस बाय द चार्ज क्यू एट द पॉइंट आर इज गिवन बाय, ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की इज इक्वल गिवन बाय 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर आर, इसके डायरेक्शन में। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जनरेट हो रही है? इस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है अलॉन्ग ओपी। ओके, सो तो ये क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फॉर्मूला है 1/4π0 क्यू सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर आर। इसको याद रखेंगे, अगर फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस इज 1/4π0 क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स। अगर हम इसमें से ये देखें कि 1/4π0
क्यू ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एट द पॉइंट पी विद द चार्ज क्यू इज इक्वल टू द चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ये याद रखने वाला फॉर्मूला है। नाउ वर्ड फील्ड सिग्निफाइज हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटीज वेरी विद पोजिशन। एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ज़्यादा होती बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, वन अपॉन आर स्क्वायर से वेरी करता है। इसको दूर ले जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती ऑफ चार्ज क्यू। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हम ये करते हैं, जैसे कि हमने ये पढ़ा कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएटेड बाय द सोर्स चार्ज। इस फॉर्मूले से हमको डेफिनेशन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। यहाँ से इस फॉर्मूले से तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो SI यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। अगर इसमें अगर हम ये जो चार्ज है इसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यूनिट चार्ज है इसमें वन इंटेंस वन कूलम का चार्ज है, सपोज इसमें करते हैं वन कूलम का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज एंड दिस डिस्टेंस। सो वी कैन इन्फर दैट इफ क्यू इज यूनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू is numerically equal to the force exerted by it, यानी कि the electric field due to a charge q at a point in space, electric field intensity due to the charge q at a point in space may be defined as the force experienced by a unit charge at that point. So this is the definition of electric field. इसमें एक चीज हमने और जो अभी थोड़ी देर पहले assume किया था कि द टेस्ट चार्ज क्यू इज नेग्लिजिबली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एकदम हमेशा याद रखेंगे क्यू इज नेग्लिजिबली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एंड डज नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। तो इसका मतलब है हमको इसके जब ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी हैव टू पुट अ लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू the force at that point divided by the charge q where q tends to zero. कुछ और important बात electric field की हमें याद रखनी है, जैसे कि electric field from a positive charge it is always radially outwards, it is directed radially outwards, है ना। नाउ इट इज हम यहाँ पे तो हम टू डायमेंशनल फिगर देख रहे हैं बट इसको हमको कंसिडर कर रहे हैं थ्री डायमेंशन में, यानी अगर ये स्फीयर है तो इसके हर एक डायमेंशन हर एक तरफ से ये चार्जेस रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड है, माना पॉजिटिव चार्ज, बट फॉर अ नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स टू द चार्ज, इट इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स टू द चार्ज। Now from the formula we have seen that electric field intensity it depends upon 1 upon r square, yani inversely proportional to r square hai. So to jo ye jo electric field intensity it will depend not on the test charge but the distance from the source charge, is pe depend karega. So since the magnitude of force on the charge q due to the charge q depends only on the distance of the charge q from the charge q capital q, the magnitude of electric field e will also depend only on the distance r. So magnitude agar electric field koi point electric field ke bahut pass hai to wo strong intensity hogi electric field ki, lekin jaise jaise aap dur jate jayenge to wo 1 upon r square se uski intensity kam hote jayegi. So अगर एक डिस्टेंस आर है स्फीयर से
उसके चारों तरफ एट द सेम डिस्टेंस सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ही होगी। सपोज एक ये चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चारों तरफ डायरेक्टेड है, एट पॉइंट पी ऑन दैट पॉइंट इतने डिस्टेंस में हर एक डायरेक्शन में इट विल हैव द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, इट विल हैव द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल अराउंड द स्फीयर ऑफ द चार्ज क्यू, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Please remember this very important point. Now, what will be the electric field because of multiple charges? तो आपको याद होगा एक principle of superposition जो हमने Coulomb's law के बाद में use किया था, same चीज यहाँ पे भी लगेगा। So consider a system of charge Q1, Q2 up to Qn with a position vector R1, R2 up to Rn. Relative to some origin point. So this is the coordinate system जिसका origin point O है। इससे अलग अलग distances में अलग अलग positions में charges रखे हुए हैं, यहाँ पे Q1, Q2, Q3। Now we have to consider a point P। यहाँ पे electric field intensity क्या होगी because of Q1, Q2 and Q3। So as we know, R1 is the position vector of Q1, R2, R3. R P is the position vector of the point P. Now, suppose this is Q1, it's a positive charge, तो यहाँ पे भी positive, ये test charge यहाँ पे रखा अगर, electric field direction क्या होगा? This direction में होगा. So its intensity is, suppose this electric field intensity is E1. Because of Q2, it will again have an electric field intensity E2. And because of Q3, let us see here, electric field intensity. So what will be the net electric field intensity at this point? It will be the vector sum of E1, E2 and E3. So using Coulomb's law, so this point by electric field intensity will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1P whole square in the direction of R1P. Similarly, E2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2P whole square in the direction of R2P. So similarly, Qn वैसा ही होगा. Suppose principle of superposition से electric field है, electric field at the point R, point P at the distance R is equal to E1R, E2R, E3R plus ENR. So expanding this formula, so electric field intensity at this point is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1P square plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 plus Q2 upon R2P square. ऐसा करते हुए RNP square तक same. So we get electric field intensity at this point because of the multiple charges is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught summation of Qn upon R square IP where n I is equal to I varies from 1 to n. So simple baat, किसी भी point में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है उसका वेक्टर सम कर देना है। नाउ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है? सो इसका इन फिजिक्स द फील्ड इज जनरली रेफर टू अ क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट every point in space and may vary from point to point. ये समझने वाली बात है कि field क्या है physics में, field ऐसा it refers to a quantity, ऐसे quantity को refer करता है जो vary करता है at every point, from एक point से दूसरे point में जाएंगे तो उसकी value vary करेगी. So this means that electric field is a vector field because force is a vector quantity. Suppose
दिस इज द सोर्स चार्ज. तो इट्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी विद डिस्टेंसेस, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई हेयर, इट ग्रेजुअली इट विल रिड्यूस एज वी गो आउटवर्ड्स. अब इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सपोज ये आग है. सो आग हमें ज़्यादा तेज कहाँ पे लगेगी? अगर हम एक बॉनफायर लगाते हैं, करते हैं और बॉनफायर लगाते हैं, तो आग सबसे गर्म इसके पास में लगेगी, और जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे तो उसकी गर्मी कम होते जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हम उसको गर्मी को महसूस ही नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज़ द फील्ड, वो आग की फील्ड है. जितने पास रहेंगे उतना ज़्यादा गर्म मिलेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे उसकी आग की इंटेंसिटी कम हो जाएगी. उसी तरीके से इफ़ दिस इज अ चार्ज्ड बॉडी, इस सोर्स चार्ज बॉडी, तो कोई भी दूसरी बॉडी है उसको उसका फोर्स सबसे ज़्यादा कब एग्जर्ट होगा? जब वो बहुत पास होगा उसके, और जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे तो वैसे वैसे उसमें कम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा. सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हमको किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और उसका डिस्टेंस फैक्टर मालूम है, तो हम बहुत आसानी से वहाँ पे फोर्स क्या एग्जर्ट कर रहा है उस पॉइंट पे वो निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आर, वी कैन रेडिली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज नॉट हेल्ड एट दैट पॉइंट. कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स इज इक्वल टू चार्ज, द टेस्ट चार्ज इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है. टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10^-8 कूलम एंड -10^-8 कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी शोन इन द फिगर. सो देयर आर टू चार्जेस, दिस इज प्लस 10^-8 कूलम, दिस इज -10^-8 कूलम. इक्वल इंटेंसिटी, इक्वल चार्जेस हैं दोनों के, ये रखे हुए हैं एट ए डिस्टेंस 0.1 मीटर अपार्ट. ये दोनों 0.1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं. तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी. सो पहला क्वेश्चन एट पॉइंट ए, ये अगर हमको निकालना है तो सब इसको हम इस फिगर को मैंने फिर से यहाँ पर रिड्रॉ कर लिया है. पॉइंट ए में एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रखा इस पॉइंट पॉइंट ए पे. तो अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो बिकॉज ऑफ क्यू वन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इट विल बी टूवर्ड्स द राइट साइड. बिकॉज पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स के डायरेक्शन को डायरेक्ट होती है. तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है. एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसी साइड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 उसका अगर हम सम कर देंगे तो वी विल फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. तो पहले हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1A, Q1 के कारण जो ए पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको निकाल लेते हैं. E1A इज इक्वल टू 1/4πε0, ये है उसका वैल्यू 1/4πε0. Q की वैल्यू है 10^-8 एंड अपॉन आर स्क्वायर. अब R यहाँ पे क्या है, ये एग्जैक्टली मिडिल में है, तो R की वैल्यू हो जाएगी 0.05 मीटर. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 3.6 × 10^4 न्यूटन पर कूलम. ये हो गया बिकॉज ऑफ E1A. सेम वैल्यू E2A
सेम वैल्यू रहेगा बट डायरेक्शन इस रहेगा. सो बिकॉज ऑफ q2 जो e2 a है, अगेन 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10^-8 कूलम अपॉन आर स्क्वायर यानी 0.05 का होल स्क्वायर 3.6. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी द सम ऑफ दिस टू एंड डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट साइड. सो हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज e1a प्लस e2a 3.6 इंटू 10^4 प्लस 3.6 इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10^4 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट ऑफ पॉइंट ए. इस पॉइंट के राइट साइड को डायरेक्ट करेगा. सो पॉइंट ए पे हमने निकाल लिया. अब पॉइंट बी पे चलते हैं. नाउ दिस इज पॉइंट बी, उसका भी एक ड्राइंग हम निकाल लेते हैं. नाउ दिस पॉइंट बी इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ क्यू वन इट्स डायरेक्शन विल बी दिस साइड, बिकॉज ऑफ क्यू टू इट्स डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स राइट. लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्यू वन पास में है, पॉजिटिव चार्ज पास में है, तो इट विल रिपेल मोर, नेगेटिव चार्ज दूर में है, इट विल अट्रैक्ट लेस. तो नेट जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इट विल बी टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन. ये समझने वाली बात है बिकॉज ये बी पॉइंट जो है क्यू वन के बहुत पास है और क्यू टू के बहुत दूर है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा इसके मुकाबले. इसलिए इसका जो डायरेक्शन है उसको ही पॉइंट बी फॉलो करेगी. इट विल बी सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पॉइंट बी. अब इंडिविजुअल हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. वो होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू वन माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू टू. तो पहले हम ई वन बी निकाल लेते हैं. ई वन बी अगेन फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज 3.6 इंटू 10^4 न्यूटन पर कूलम. बस इसके लिए निकालने के लिए जो आर है वो डिस्टेंस हो गया 0.15 मीटर. ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 0.15 मीटर. सो आर स्क्वायर हो जाएगा 0.15 मीटर स्क्वायर. इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई इट इज लेसर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय क्यू वन. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस माइनस दिस ई वन बी माइनस ई टू बी. सो 36-4 यानी हो जाएगा ये 3.2 इंटू 10^4 न्यूटन पर कूलम एंड विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ पॉइंट बी. नाउ द टिपिकल केस इज दिस वन एट पॉइंट सी. अगेन विल ड्रॉ दिस. नाउ इफ यू लुक क्लोजली इंटू दिस फिगर, सो वट इज बींग मेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी पॉइंट वन है, ये भी पॉइंट वन है, ये भी पॉइंट वन है. तो इससे एक चीज़ हम क्लियर हो जाएगी, एंगल जो है वो 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है, सारे इंटरनल एंगल 60 डिग्री. नाउ बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू वन एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज अलॉन्ग सी, अलॉन्ग ओ सी. अगर इसके ए सी मान के चले तो 1c. बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्यू टू इट इज अट्रैक्टिंग, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलॉन्ग क्यू टू सी, इधर होगा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनके रिजल्टेंट जो है उस पर डिपेंड करेगा. नाउ दिस इज 60 डिग्री. हम इस ई वन सी को हम रिजोल्व करेंगे, इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बी टू क्यू. तो इधर पे इस डायरेक्शन में ये ई कॉस 60 और इधर ई साइन 60. सिमिलरली इसको रिजोल्व करेंगे तो इट विल बी ई टू कॉस 60 और यहाँ पे इस डायरेक्शन में ई टू साइन 60. नाउ व्हाट यू कैन सी इज ई वन साइन 60 इज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ई टू साइन 60. ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा ई वन कॉस 60 प्लस ई टू कॉस 60. सो ये दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है. ई वन सी और ई टू सी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इट विल बी 9 इंटू 10^9 इंटू 10^-8 अपॉन द डिस्टेंस आर स्क्वायर 0.1 स्क्वायर. दोनों ही 9 इंटू 10^3 न्यूटन पर कूलम है. लेकिन ई सी की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी ई वन सी कॉस 60
प्लस ई टू सी कॉस 60 वेक्टर्स को हम रिजोल्व करते हैं, इसको रिजोल्व किया तो ये आया, सो इक्वल टू इट विल बी कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब दो 1/2 दो 1/2 छोड़ के एक 1 कंप्लीट, सो इट विल बी 9 इंटू 10^3 न्यूटन पर कूलम एंड इट्स डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक में भी है। नाउ द असाइनमेंट, सो देर आर टू पॉइंट चार्जेस, क्यू ए इज 3 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी इज -3 माइक्रोकूलम, दे आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर्स अपार्ट इन अ वैक्यूम। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस असाइनमेंट, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच का जो लाइन है ए बी उसके मिड पॉइंट में अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख दें तो उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। सेकेंड, अगर वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10^-9 कूलम रख दिया जाए तो वहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्या होगा, इसे आप निकालें। सो प्लीज कंप्लीट दिस असाइनमेंट एंड सेंड इट टू मी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच विल लर्न इन द कमिंग क्लास। थैंक यू।